वहीं थाने में तैनात एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने अपने थाना अध्यक्ष के उत्पीड़न से तंग आकर नैनीताल तिराहे पर रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, जबकि उनके पति भी कालाढोंगी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं। इस दौरान कांस्टेबल महिला का आरोप है कि उनके पति को भी थाना अध्यक्ष ने यहाँ से कहीं और ट्रांसफर करा दिया है, जिसके बाद से महिला कांस्टेबल को ड्यूटी समय के अलावा अधिक समय तक परेशान किया जा रहा था। इसी बीच उसके स्टाफ महिला एसआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उसे समझा बुझाकर कालाढोंगी थाने ले आए और महिला पुलिस कांस्टेबल को घर छोड़ा गया। इस पर महिला सिपाही ने अपने थाना अध्यक्ष पर पिछले एक महीने से लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। कौन परेशान कर रहे हैं आपको? आपको साफ कर रहे हैं। क्या क्या मामला है साहब, क्या बताइए? सीधे बोलो। बैठ जाओ। बैठ जाइए, कुर्सी लो, बनाओ इनके आराम से बनाओ यार। बेचारी दिन भर ड्यूटी में हम देख रहे हैं यार। ये लोग 10 बार आ गए, इन्होंने सामने लगा कि दुकान वाले से पूछ लो, मेरे सामने लगे कर्मचारियों से पूछ लो। मैं सुबह 10 बजे से 8 बजे यहाँ से निकली हूँ घर को। सिर्फ 10-15-20 मिनट जितने भी गई मैम, खा के फिर तुरंत आ गई अपने पॉइंट पर। मैंने तब भी इनसे कुछ नहीं कहा, इन्होंने फिर भी मुझे खबर दी है इसकी गैरहाजिरी करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मेरे पति को पहले इन्होंने परेशान करा, नाजायज से यहाँ से। आपके पति किस डिपार्टमेंट में? पुलिस में है मेरे पति। इन्होंने मेरे पति को परेशान करा। कहाँ पे पोस्टिंग हुई इनकी? वो मुखानी थाने में। इन्होंने मेरे पति की पोस्टिंग मुक्त सर कर दी थी बिना समयावधि पूर्ण ना होने के बाद भी। तो अब क्या है इसमें दिक्कत? ये कि ड्यूटी आपकी 6 बजे तक की पूरी होगी आपकी? हाँ, मेरी ड्यूटी पूरी होगी थी, मैं ड्यूटी करके गई हूँ, फिर भी इसका फोन आ रहा कि इसकी गैरहाजिरी को और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैंने 10 फोन कर दिया, कुछ आपको मेरे फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा मैंने ऐसा कर रहा हूँ, आओ तो कह रहे मैं फोटा बाज हूँ। आ क्यों नहीं रहे, मेरे सामने आए ना। मैंने सारे अधिकारियों को अपने धरना पत्र दे दिए, पर मेरी किसी ने भी सुनी या मुझे इतना ज़्यादा इस परेशान कर रहा हूँ। रामनगर से पूछ ली जाएगी, मैं ड्यूटी करती थी नहीं करती थी, मेरे पर ड्यूटी खिलाफ और वही का आरोप लगा रहा। फिर हम रो मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम करो। अरे भैया मैं बहुत परेशान हूँ, बैठ जाओ। मैंने 15 दिन हो गए मुझे बिस्तर में पड़े पड़े। कोई मेरे सुख लेने वाला नहीं है, बस ये मेरा कि बस इसे परेशान करो, इसे परेशान करो, इसे परेशान करो। थाने में 6 महीना कम से कम है, ड्यूटी नहीं ड्यूटियाँ लगती है। नैनीताल से रहा।